हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल राव नर्सिंग अकेडमी पर। साथियों, आज डिस्कस करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ओबीजी के प्रोसीजर्स और डिजीज बेस्ड क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले इस वीडियो में। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो ये क्वेश्चन सभी पहले एम्स में पूछे गए हैं, तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर। पिक्चर को आइडेंटिफाई किए करिए और कमेंट करके बताएं कौन सा प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर है मुलर मुनरो केयर मेथड। एक बार दोबारा से देख लीजिए इमेज को अच्छी तरह से। यह है मुलर मुनरो केयर मेथड और इसका मेनली यूज होता है फॉर असेसिंग द फीटल हेड डिसेंट। फीटल हेड डिसेंट को असेस करने के लिए मुलर मुनरो मेथड का यूज होता है। यह है एब्डोमिनो वेजाइनल मेथड ऑफ असेसिंग फीटल हेड डिसेंट और इससे डिसप्रोपोर्शन भी असेस किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द पिक्चर। पहले भी ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एम्स में, 2018 में आया था एम्स दिल्ली एग्जाम में। सो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। ये पिक्चर कौन सी, तो आप में सभी इजीली आंसर कर सकते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, ये इमेज है डायगोनल कंजुगेट का पिक्चर है। डायगोनल कंजुगेट होता क्या है, जिसमें कि मेजरमेंट होता है बिटवीन द सैक्रल प्रोमोनिटरी टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्यूबिक सिम्फिसिस के बीच में जो मेजरमेंट है उसको बोला जाता है डायगोनल कंजुगेट। और इसकी लेंथ कितनी होती है, 12.5। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है डायगोनल कंजुगेट की लेंथ कितनी होती है, 12.5। ऑब्स्टेटिक की कितनी होती है, 11.5। नेक्स्ट, तो यह है डायगोनल कंजुगेट एंड इट इज मेजर्ड बिटवीन द सैक्रल प्रोमोनिटरी एंड द लोअर एज ऑफ द क्यूबिक सिम्फिसिस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर और ये पिक्चर है एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन कब किया जाता है कमेंट करके बताएं। सो एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन किया जाता है आफ्टर 35 वीक ऑफ जेस्टेशन और इसके मेनली इंडिकेशन क्या होता है, एडिक्वेट लिक्वर एमनी होनी चाहिए। दूसरी, सर्विक्स फुली डायलेटेड होना चाहिए तभी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पिक्चर। इस पिक्चर में क्या इंडिकेट हो रहा है कमेंट करें। यहां पे ब्लीडिंग दिख रहा है क्लियरली, तो पिक्चर क्या हो सकती है, कौन सी पिक्चर है कमेंट करके बताएं। और ये पिक्चर है रिवील्ड एब्रुचो प्लेसेंटा ब्लीडिंग। दो टाइप का होता है जनरली, ये एक रिवील्ड होता है, एक कंसील्ड होता है। कंसील्ड में तो क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होता है, और रिवील्ड एब्रुचो प्लेसेंटा ब्लीडिंग में क्या होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग देखी जाती है। तो ध्यान रखें, रिवील्ड एब्रुचो प्लेसेंटा के केस में इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती, वेजाइनल ब्लीडिंग देखी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये पिक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कमेंट करें ये पिक्चर क्या इंडिकेट कर रही है, कौन से प्रोसीजर को इंडिकेट कर रही है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ इंटरनल फोडेलिक वर्जन। इंटरनल फोडेलिक वर्जन की पिक्चर है और इसका मेन यूज क्या होता है, इंटरनल फोडेलिक वर्जन का, इंटरनल फोडेलिक वर्जन का मेन यूज होता है फॉर डिलीवरी ऑफ द सेकेंड ट्विन इन द केस ऑफ ब्रीथ प्रेजेंटेशन। यानी कि जो सेकेंड ट्विन के डिलीवरी के लिए इसका मेनली यूज किया जाता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि ट्विन के केस में इसका यूज होता है, सिंगलेटन प्रेगनेंसी के केस में इसका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर, तो ये पिक्चर है एक मैनुअर की, ओबीजी का एक मैनुअर है जो कि मोस्टली यूज होता है, तो कौन सा मैनुअर है कमेंट करके बताएं। सो कौन सा मैनुअर है, ये एक ब्रिज प्रेजेंटेशन का केस है जिसमें कि ये मैनुअर है, लव सेट मैनुअर मेनली यूज होता है फॉर डिलीवरी ऑफ हैंड्स, एक्सटेंडेड हैंड्स, पिनार्ड्स मैनुअर, लव सेट मैनुअर एंड बर्न मार्शल मैनुअर, एमवीएस मैनुअर, ये सभी मैनुअर यूज किए जाते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन के केस में। तो यहां पे आप देख सकते हैं डिलीवरी ऑफ हैंड्स के लिए इसका मेनली यूज किया जाता है, लव सेट्स मैनुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पिक्चर, पिक्चर को आइडेंटिफाई करें और कमेंट करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कभी नहीं आया हुआ है, इस बार आने के चांसेस भी हैं फुल। तो इमेज को देखें, यहां पे एक जो फोर्सेप है इसको क्लैंप कर रखा है, आप देख सकते हैं यहां पर क्लैंपिंग हो रखी है नियर द पेरिनियम और वेजाइनल फ्लोरा के पास में, यहां से क्लैंप कर रखा है अम्बिलिकल कॉर्ड को। तो कौन सा प्रोसीजर है फटाफट से कमेंट करें। सो दिस इज द पिक्चर इंडिकेटिंग द कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन की पिक्चर है, ध्यान से देख लें। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन जो कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का एक्टिव मैनेजमेंट के लिए इसका मेनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द पिक्चर, पिक्चर आइडेंटिफाई करें, इजीली आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। और ये पिक्चर है कॉर्डोसेंटेसिस की, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीडल इंसर्ट करके यहाँ पे एस्पायरेशन हो किया जा रहा है, इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा रखा है। और इसका दूसरा नाम क्या है फटाफट से कमेंट करके बताएं, कॉर्डोसेंटेसिस का दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो इसको दूसरा नाम से जानते हैं पीयूबीएस। पीयूबीएस की फुल फॉर्म परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड एस्पायरेशन। सो ये है कॉर्डोसेंटेसिस की पिक्चर। नेक्स्ट, सो ये है कॉर्डोसेंटेसिस की पिक्चर, इमेज भी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पिक्चर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया नहीं क्वेश्चन है, इस बार आने के फुल चांसेस हैं। सो कमेंट करें कौन सा प्रोसीजर है यहाँ पे इस इमेज में दिया गया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9, ये पिक्चर आइडेंटिफाई करें और बताएं कौन सा प्रोसीजर है, देखते हैं आप में से कितना सही जवाब दे पाते हैं। तो भाई ये जो प्रोसीजर का इमेज है,
इसको बोलते हैं बाई मैनुअल यूट्रस कंप्रेशन, ठीक है ना, बाई मैनुअल यूट्रस कंप्रेशन। एक बार ध्यान से देख ली पिक्चर को, यहां पे कंप्रेस किया जा रहा है, लेफ्ट हैंड को आउटर साइड रखा जा रहा है और राइट साइड हैंड को पुश किया जा रहा है। सो बाई मैनुअल कंप्रेस किया जा रहा है यूट्रस को। सो ये पिक्चर है बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई द कंडीशन। कंडीशन को आइडेंटिफाई करें। यहां पे ये न्यूबॉर्न बेबी है, कौन सी कंडीशन है, कौन सी डिजीज कंडीशन है, फटाफट से कमेंट करके बताएं। सो ये पिक्चर है हाइड्रोस्फिटलिस कंडीशन होती है उसकी पिक्चर है। इसमें क्या होता है कि एसआईटिस देखा जाता है मेनली, यहाँ पे जो फ्लूड कलेक्शन हो जाता है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लूरल इफ्यूजन भी देखा जाता है। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले कभी नहीं पूछा गया लेकिन इस बार आने के चांस है। हाइड्रोस्फिटलिस इस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोस्फिटलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मैनुअर शोन इन द पिक्चर। कौन सा मैनुअर है, यह है पिनार्ड्स मैनुअर। पिनार्ड्स मैनुअर का मेनली यूज कब होता है, पिनार्ड्स मैनुअर का यूज होता है मेनली फॉर डिलीवरी ऑफ लेग्स, एक्सटेंडेड लेग्स का डिलीवरी के लिए पिनार्ड्स मैनुअर का यूज होता है। और अगर एक्सटेंडेड आर्म्स का डिलीवरी का पूछा जाए तो लवसेट्स मैनुअर, जो कि पहले देख चुके हैं लवसेट मैनुअर की पिक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देख बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द कंडीशन इन इमेज गिवन बिलो। कौन सी इमेज दी गई कंडीशन, ये पिक्चर है, कौन सी कंडीशन है, एक बार पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं कौन सी कंडीशन यहां पे देखी जा रही है। सो गाइस ये है पिक्चर कॉर्ड प्रोलैप्स की पिक्चर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन द इमेज गिवन बिलो। कौन सी इमेज, कौन सी कंडीशन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इसके फुल चांस आने के, और पहले कभी नहीं पूछा गया। लेकिन यहां पे इमेज देख सकते हो कंजॉइंड ट्विंस हैं, लेकिन कौन सा है जो आपको बताना है। सो गाइस ये है इस्टियोपैगस, यहाँ पे इस्टियम आपस में कनेक्टेड है तो इस्टियोपैगस है। अगर यहाँ पे एब्डोमिनस कनेक्टेड होती तो क्या बोलते हैं, पायोपैगस, और अगर हेड हेड से कनेक्ट होते तो क्रेनियोपैगस। सो ये है इमेज ऑफ इस्टियोपैगस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।